हाय एवरीवन, वेलकम टू अमृताज किचन। तो फ्रेंड्स, समर स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे बहुत ही यम्मी टेस्टी और हेल्दी अनार के दानों की आइसक्रीम। ये बहुत ही यम्मी लगती है फ्रेंड्स, गर्मी के मौसम में आप इसे जरूर एंजॉय कीजिए और मेरी रेसिपी जरूर बनाइए। इसके लिए मैंने यहाँ पे दो अनार ले लिए है। अनार को छिलके मैंने इसके दाने निकाल लिए है, तो एक कटोरी के करीब हमने ये अनार के दाने निकाले है। तो यहाँ पे हमने लिए हैं एक कटोरी अनार के दाने, साथ ही यहाँ पे दो बड़े चम्मच हमने यहाँ पे लिया है दूध पाउडर और दो बड़े चम्मच ही हमने यहाँ पे शुगर ली है। आप कम या ज्यादा शुगर ले सकते हैं। आधा कप फ्रेश क्रीम लिया है और यहाँ पे दो बीट के टुकड़े लिए हैं, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे फूड कलर के लिए। हम फूड कलर के बिना ही कलरफुल आइसक्रीम बनाएंगे बीट का यूज करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मिक्सर जार ले लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं अनार के दाने और साथ ही हम इसमें डाल देते हैं बीट रूट के टुकड़े। इससे इसमें बिल्कुल नेचुरल कलर आएगा और हमें फूड कलर का यूज नहीं करना है। इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल यहाँ पे प्यूरी तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमने बीट रूट का यूज किया है। और अब हम इसे छान लेते हैं। तो इस तरीके से एक छन्नी लेके उसमें हम ये सारी प्यूरी को छान लेते हैं, ताकि इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें मिल जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे छान लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सारी प्यूरी को इसी तरीके से मैंने यहाँ पे छान लिया है और इसका मोटा हिस्सा जो है ये हमें अलग कर देना है। अब ये जो हमने प्यूरी ली है इसमें हम डाल देते हैं शुगर। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 4 चम्मच शुगर। आपके अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा शुगर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच शुगर डाल देती हूँ। अब हमें इसमें डालना है दूध पाउडर। तो 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर का यूज मैंने यहाँ किया है। इसमें हम डाल देते हैं दूध पाउडर और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे से दूध पाउडर मिक्स हो चुका है, कोई भी लम्स इसमें नहीं है, बिल्कुल स्मूथ ये पेस्ट बना है। अब हम फ्रेश क्रीम ले लेते हैं 1/2 कप। इसे एक बाउल में ले लेते हैं और इसे बीटर से बीट कर लेते हैं और इसका हम क्रीम बना लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बीटर से बीट करते हुए क्रीम हमारी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं अच्छे से क्रीम यहाँ पे तैयार होने वाली है। इसे हमें बीट करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं क्रीम बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो चुकी है। ये देखिए, हमारी क्रीम यहाँ तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस क्रीम में डाल देते हैं जो पेस्ट हमने बनाया था, वो सारा पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं और फिर से इसे हमें बीट कर लेना है, जब तक कि ये अच्छी तरीके से आइसक्रीम फॉर्म में ना आ जाए। तो ये देखिए, अच्छे से इसे हमने बीट कर लिया है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पर हमें अभी थोड़ा वेट करना है। ये आइसक्रीम तो तैयार है, पर हमें इसे अभी एक एयर टाइट कंटेनर में या फिर किसी बॉक्स में निकाल लेना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में ये सारी आइसक्रीम को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े से अनार के दाने, क्योंकि हमने अनार के दानों की आइसक्रीम बनाई है। तो इस तरीके से अनार के दाने इसमें डाल देते हैं और अब हम इसे रैप कर देंगे फॉइल पेपर से। आप इसे पॉलिथीन से भी रैप कर सकते हैं, इससे इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेगी। तो ये देखिए, अच्छे से इसे रैप कर दिया है और अब हम इसे डीप फ्रीजर में रख देते हैं 7 से 8 घंटे के लिए। उसके बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए, 7 से 8 घंटे बाद हम आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसका मैं फॉइल पेपर निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आइसक्रीम बिल्कुल हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो स्कूपर की मदद से हम इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं।
और सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है और सॉफ्ट है और बिल्कुल नेचुरल है। हमने इसमें फूड कलर का भी यूज नहीं किया है। तो इसी तरीके से हम इसमें आइसक्रीम निकाल लेते हैं। और इसे हम डेकोरेट कर देंगे अनार के दानों से। तो ये देखिए ठंडी ठंडी समर स्पेशल अनार के दानों की आइसक्रीम यहाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी, और बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी आइसक्रीम होती है। इस समर आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो की अपडेट्स आपको मिल जाए। तो ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ ये आइसक्रीम बनी है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे मिल्क शेक के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और अनार के दानों का मिल्क शेक बना लिया है और इसमें मैं ये आइसक्रीम डाल देती हूँ। ये देखिए बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। इसे डेकोरेट कर देती हूँ अनार के दाने और स्ट्रॉबेरी से। तो इस गर्मी के मौसम में आप जरूर बनाइए अनार के दानों की हेल्दी आइसक्रीम, और हेल्दी मिल्क शेक भी आप बना सकते हैं जिसमें हमने आइसक्रीम का यूज किया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं बहुत ही इजी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी समर।